हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग तो है ही, डिटेल रीडिंग है। ओके, सभी जोडियक साइन के लिए हैं, सभी लोग अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप में सभी लोग देख सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लिए हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, स्पिरिट ऑफ डिवाइन गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनको लेकर, उनके रिश्ते को लेकर। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, जिनकी रीडिंग आप जानना चाहते हैं, जिनकी करंट फीलिंग्स, जिनकी एनर्जीज जानना चाहते हैं। ओके, ओके, डोर टू रोमांस। ओ एंजल ऑफ लव जर्नी गॉडेस ऑफ द मून। ओ वाओ, स्ट्रांग वार्मिंग। ओके, गॉडेस ऑफ द मून एंड स्ट्रांग वार्मिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है, के पार्टनर की एनर्जीज विक्ट्री। ओके, सिक्स चक्रा आर्केंजल मेथाडोन, ठीक है, कम्युनिटी बॉटम है द थिंकिंग मैन। जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उसी तरह से आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें हम, डोर टू रोमांस। देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले ने भी आपके लिए प्यार के दरवाजे खोल दिए हैं। अब आप कितने अच्छे से अपने पार्टनर को एंट्री देते हैं, आपके पार्टनर एंट्री मारते हैं दोबारा से आपकी लाइफ में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भैया आपके पार्टनर प्यार, कहते हैं ना, प्यार लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में वापस। ये उनकी एनर्जी, वो चाहते हैं कि आपको इतना सारा प्यार दें और भरपूर प्यार दें आपको। जितना दूरी का समय गुजरा है, उस सब की भरपाई हो ही जानी है। अब आपकी, जब आपके पार्टनर वापस आएंगे तो बहुत प्यार दिखाने वाले हैं, बहुत केयर दिखाने वाले हैं। किसी भी समय एंट्री मार सकते हैं आपके पार्टनर। और आपके एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो आप ना उनको इतनी जल्दी एंट्री नहीं दोगे अपनी लाइफ में। आप ना उनको ऐसे बताओगे कि ठीक है, तुमने इतना टाइम लगाया, तुम थोड़ा सा झेलो, है ना, झूठ मूठ का नखरा दिखाओगे आप लोग, ठीक है, बनता भी है रिश्तों में, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर, कुछ तो गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आपके लिए, आपको मनाने के लिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट है, ठीक है, कुछ हार्ट आपको दे सकते हैं आपके किसी वीडियो पर। अचानक से आपको लगेगा इतना पॉजिटिव कोई कैसे हो सकता है मेरे लिए। तो इस तरीके से उनकी एनर्जीज है आपको लेकर, ठीक है। ओके, एंजल ऑफ लव। देखिए, यहाँ पर एंजल ऑफ लव ऊपर वाला ना किसी भी, कहते हैं, फरिश्ते को हमारे पास भेज देता है हमारी मदद के लिए। अब फरिश्ता कोई भी हो सकता है, कोई हमारा म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, अचानक से कोई ऐसा पॉजिटिव पर्सन हो सकता है जिसकी बातों में आकर हम पॉजिटिव हो जाए अपने रिलेशनशिप के लिए, और वो उसके जो थॉट्स हैं हमारे लिए काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ठीक है। एंजल्स ना आपके लाइफ के अंदर, आपके पार्टनर की लाइफ में आपको वापस लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की जो जर्नी है ना वो एक सी है। मतलब आप दोनों लाइफ में आगे एक साथ जाएंगे, ठीक है। अधूरे में कहते हैं, जब हम किसी जर्नी पर होते हैं या हमारी अवेकनिंग होती है, तो ऊपर वाला हर किसी को नहीं ये सब चीज़ें करने को देता। ऊपर वाला चूज़ करता है उस पर्सन को, मतलब अपने उस बंदे को, जो ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है।
ये कई बार चीज़ें होती हैं कि अरे नहीं हमें नहीं ऐसा होना, नज़दीक हमारी लाइफ तो नॉर्मल चलनी चाहिए, पर ये ऊपर वाला अगर अपना फेवरेट किसी को बनाना चाहते हैं तो वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। ठीक है, आप लोग प्योर सोल हैं ये साफ पता चल रहा है। ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। ओके, आप और आपके पार्टनर एक जर्नी पर हैं। ठीक है, आगे मतलब बुढ़ापे तक साथ रहना है आप दोनों को। आप इधर उधर जा सकते हैं, आपके पार्टनर इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन फाइनली आप दोनों को मिलना ही है और एक साथ होना है। चाहे आप दोनों मैरिड हैं चाहे सिंगल हैं, तो शादी होगी। आप दोनों एक साथ ही ज़िंदगी के पूरे सफ़र को पूरा करेंगे। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है, वही सामान उठाओ और अपने घर जाओ, मतलब आपके पास आ जाओ, आप उनका एक तरीके से घर हैं। गोडेस ऑफ द मून, यहाँ पर आपको गॉड में बिलीव करना होगा। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर। कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आज, ये कार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर रहा है। और अगर आप ये भी देखें और इस कार्ड को देखें तो दोनों की एनर्जी सेम दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता है कि आपके पास आना है उन्हें, तो उन्हें इस तूफान का सामना करना ही पड़ेगा और वो पूरी तरह से तैयार है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं झरने से हैं और यहाँ पे पूरा तूफान आया हुआ है। धीरे धीरे उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेंगी, और वो छोड़ने के लिए पूरी तरह से आपके पार्टनर तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर प्यार काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर यहाँ पर सेल्फिश बन जाते हैं। ठीक है, ओके, एंजल ऑफ लव, एंजल्स यहाँ पे विक्ट्री लेकर आएंगे। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा पॉजिटिव सा होते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत कहते हैं ना अचानक से कुछ चमक और रौनक आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके पार्टनर की सोच एकदम पॉजिटिव हो रही है आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ पर देखिए आर्क एंड सेमेस्टर्न है जो दिखाते हैं कि आपका आपके आपका ऑरा कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, आपका ऑरा कितना क्लीन है, आपके थॉट्स कितने क्लीन हैं। जहाँ तक कि आप और आपके पार्टनर की बात है, आप दोनों का सेपरेशन होने के बाद में आप दोनों को सारी चीज़ें समझ आई हैं। जिस तरीके से आप समझदार हुए हैं या आपने सोचने का तरीका या ज़िंदगी जीने का तरीका बदला है, उसी तरह से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी चीज़ें हुई हैं कि उनके सोचने का तरीका और जीने का तरीका थोड़ा बदला है, जिसमें कि एक चीज़ ये भी है कि वो आपके साथ के रिश्ते को समझ पाए हैं। ठीक है, इसलिए शायद वो विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ तूफान लाएगी, कुछ खोएंगे वो, तब वो उनको इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी। और वो जो भी चीज़ें खोएंगे, या तो खोना हो सकता है, खोना मतलब कुछ ऐसे लोगों को, कुछ कार्मिक लोग होते हैं उनसे पूरी तरह से अलगाव, पूरी तरह से अलग हो जाना, या फिर वो लोग जो इस रिश्ते के खिलाफ थे उनके सामने खड़े हो जाना कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपने पार्टनर से अलग नहीं होना है। इस तरीके की आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, और ये एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपके पार्टनर के ऊपर वाला करे, सभी के पार्टनर उनके पास वापस आ जाएं और आप दोनों अपनी ज़िंदगी की जर्नी एक साथ शुरू करें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई है। पसंद आई तो भाई अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।